जनाब स्पीकर, मुझे फ्लोर देने का बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ही मुख्तसरन पार्लियामेंट्री प्रोसेस से मुतल्लिक कुछ कहना चाहती हूँ। जब ये हमारा सेशन शुरू हुआ था तो ऑनरेबल सेनेटर रज़ा रबानी ने रूल्स साइट करते हुए इस बात की निशानदेही की थी कि आज का जो एजेंडा है वो इन वायलेशन ऑफ दोज रूल्स है। उन्होंने स्पेसिफिक क्लॉजेस का हवाला दिया था और उन्होंने उन्हीं रूल्स को ड्रॉ करते हुए अब कहा था कि वो इसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, और उनकी ये जो ऑब्जेक्शन थी ये सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब ने भी उसकी तायीद की थी और सेनेटर मुश्ताक साहब ने भी उसी ऑब्जेक्शन की तायीद की थी। और फिर सेनेटर रज़ा रबानी ने रूल्स साइट करते हुए ही इस बात की निशानदेही की थी कि स्पीकर साहब, अब ये आपका प्रोरोगेटिव है कि आप उनकी ऑब्जेक्शन या ओवर रूल करें और या तो स्ट्रिक्टली इन कंप्लायंस विद रूल्स आगे जाएं। तो ये ऐसे हम शुरू हुए थे। उसके बाद कुछ डिविएशंस हुई, मगर फिर आपने कुछ लोगों को बुला के, कुछ लोगों को कन्वीन करके, और ये मैं जो हम सब देख रहे थे, आपने प्रिज्यूमेबली चीज़ों का जायज़ा लिया और फिर आपने एक स्टेटमेंट दी, एंड प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, आपने फरमाया कि आपकी ये रूलिंग है कि आप टाइम देंगे ताकि ये तमाम जो बिल्स हैं, जो जिनके अमेंडमेंट्स हुई हैं, वो सर्कुलेट हों, लोगों को 24 आवर्स का टाइम मिले और उसके बाद कल आप सेशन कन्वीन करें। एंड आई कंग्रेचुलेट यू फॉर दैट डिसीजन स्पीकर साहब, आपने बड़ा अच्छा डिसीजन दिया, बट प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। उसके बाद से फिर हम एजेंडा पे आ गए, फिर हम एजेंडा 2, 3, 4, 5, 6, 7 पे पहुंच गए। तो प्लीज़, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड हूँ, आप अगर आपका ये डिसीजन है कि एक दिन दिया जाए, तमाम तरामीम, तमाम नए बिल सर्कुलेट हों, उनका सब जायज़ा लें और कल आपके हुक्म के मुताबिक सब यहाँ पर आकर फिर से जॉइंट सेशन हो, तो ये बड़े अच्छा होगा। मगर आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड कि हम फिर एजेंडा में क्यों जा रहे हैं, तो माफ़ कीजिए इफ़ आई एम ऑफ द मार्क। थैंक यू, थैंक यू, आई जस्ट वांटेड टू आस्क दैट। थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ सेनेटर सानिया निश्तर साहिबा के, सेनेटर मियां रज़ा रबानी साहब ने एक ऑब्जेक्शन रेज़ किया और उन्होंने कहा कि जो भी अमेंडमेंट्स आप लेकर आ रहे हैं किसी कानून में भी, अमेंडमेंट्स पेश होने से पहले ये ज़रूरी है कि एक क्लियर डे जो है वो मेंबरान को मिले ताकि वो देख सकें। तो मैंने वो सारा एजेंडा रज़ा रबानी साहब को यहाँ बुलाकर जो जो इन्होंने बिल कहे थे वो मैंने डेफर कर दिए कल के लिए, और अब मैं समझता हूँ कि बाकी जो एजेंडा है वो कल ही हम लेकर जाएंगे और कल जो है तमाम ऑनरेबल मेंबरान के सामने पेश होगा। लेकिन एक मेरी गुजारिश होगी कि हाउस में जो है वो एक अच्छा खुशगवार माहौल रखना जो है वो भी अच्छी कानून साजी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम माहौल को ख़राब कर लेंगे, कान पड़ी आवाज़ समझ नहीं आ रही होगी, तो सिर्फ हम शोर मचाएंगे, तो उससे मैं समझता हूँ कि अच्छी कानून साजी नहीं हो सकती। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने बहुत अच्छे अंदाज से बात की, आई अप्रिशिएट इट। बिल की कॉपीज जो हैं अभी हम सर्कुलेट भी कर रहे हैं, अभी भी अगर किसी को चाहे तो मेरा स्टाफ यहाँ पे है असेंबली का, ये आप तक पहुँचा देगा, आपकी सीटों तक पहुँचा देगा ताकि आपके पास हों। जी सानिया निश्तर साहब, साहब आपकी इजाज़त से, मगर जो एजेंडा इस वक्त ट्रांजैक्ट हो रहा है वो तो अमेंडमेंट्स ही हैं, तो अब मे बी आई एम मिसिंग समथिंग, ये तो सारी अमेंडमेंट्स ही हम नहीं नहीं वो अमेंडमेंट वाला कोई भी नहीं आया जी, आप अमेंडमेंट वाला कोई नहीं आया जी। सर मुझे एक एक्सप्लेनेशन देनी है, मुझे एक एक्सप्लेनेशन देनी है। कामरान मुर्तजा साहब आप ज़रूर दें एक्सप्लेनेशन। बहुत शुक्रिया सर, तारर साहब ने